सो गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू ट्रैवल ब्लॉग। माई नेम इज़ अजिता आनंद, यू वॉचिंग मी फ्रॉम जैसलमेर। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ कुलधरा विलेज बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ वे टू, वी आर ऑन अ वे टू थार डेजर्ट। और जब आप थार की तरफ जाते हैं यानी सैम ड्यून्स की तरफ जाते हैं जो आपका थार सफारी है, तो कुलधरा विलेज रुकना मत भूलिए। ये जो आप देख रहे हैं पूरा गाँव, हालांकि ये गाँव अबेंडेंड है, ये हॉन्टेड माना जाता है यहाँ पे। और उसका स्टोरी क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ कि ये गांव कैसा है अभी पूरा, कभी यहाँ पे लोग रहा करते थे। आज देखिए हालत ये है कि बस खंडर, और ये अवशेष देखने हम दूर दूर से यहाँ तक आते हैं। ये देखिए तो अगर आप जब सफारी के लिए जाते हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर आकर के रुकिए, क्योंकि थोड़ी देर का स्टॉप है बट ये आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। यहाँ की स्टोरी ये है कि ब्राह्मण की एक लड़की थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और यहाँ के जैसलमेर के जो राजा थे उनको उन पे दिल आ गया राजा जी का। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे शादी करनी है इनसे। ब्राह्मण कुल के उन्होंने बोला कि यार हम ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती। तो राजा ने बोला कि नहीं, हमें तो शादी करनी ही करनी है। बस इन लोगों ने निर्णय लिया कि भैया ऐसे तो हम नहीं कर सकते। 84 गांव के लोग एक रात में खाली करके यहाँ से पाली चले गए, यहाँ से थोड़ा ही दूर है पाली, और ताकि वो अपनी जो इज्जत है, अपनी घर की जो बेटी होती है, जो इज्जत होती है, उसको बचा सके। और ये जो जगह हम जहाँ खड़े हैं ये बिल्कुल एक शान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है कि लोग कैसे आज से 150 साल पहले अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए सब कुछ जो हमने उन्होंने कमाया पूरी ज़िंदगी, जो घर होता है, जो सब छोड़ करके यहाँ से चले गए। तो यही है, और उस दिन के बाद से इसे हॉन्टेड माना जाता है। हालांकि मैंने लोगों से पूछा कि कभी क्या आपने ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अबेंडेंट पड़ा हुआ है। तो नेगेटिव एनर्जीज आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, बट हाँ हो सकता है लोग कहते हैं हॉन्टेड, तो हालांकि कोई स्टोरी नहीं है इसके ऊपर। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है। एक मंदिर है जो अभी बचा हुआ है, बाकी सारे जो है आप देख सकते हैं किस हालत में है, बिल्कुल खंडर। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको, और इसके बाद जो थार का डेजर्ट आएगा, थार की जो सफारी है उसको ज़रूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आगे चलते हैं। पूरे इस इलाके में आप बस देखेंगे कि यही जो एक पोर्शन है वो दिख रहा है कि बिल्कुल वैसा ही है। हो सकता है इसे बाद में बनाया गया हो, क्योंकि ये तो ज़्यादा पुराना नहीं दिख रहा। ये मंदिर है जहाँ वो सारे ब्राह्मण आकर के प्रार्थना किए थे ईश्वर से कि घर यहाँ छोड़ने से पहले उन्होंने प्रार्थना करी थी। और मैंने जब लोगों से बात किया तो वो कहें कि यहाँ के लोग अभी भी यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के कभी कभी आकर के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही वो मंदिर है जो अभी वैसे ही हालत में है जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल। बाकी पूरा जो गांव है, पूरा जो वो पूरा खंडर हो चुका है। इस तरफ देखिए ये पूरा, लेकिन इस ये मंदिर को कुछ नहीं हुआ, यहीं पर उन्होंने प्रार्थना करी थी, पूजा करी थी अपना घर संपत्ति सब कुछ छोड़ने से पहले। देखिए ये पूरा जो है ये पूरा स्टोन है, कमाल की जगह। हो सकता है कि रात में किसी ने अनुभव किया होगा कुछ नेगेटिव एनर्जीज को यहाँ पर, बट अभी तक मैंने जहाँ तक पता किया, होटल वाले से पूछा, कुछ लोकलाइट से पूछा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। थोड़ा सा आगे अब बढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ मकान हमने देखा। ये देखिए मंदिर दूर से कैसा दिख रहा है। कुलधरा विलेज के बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो ये जगह है वो अब नेशनल प्रोटेक्शन के अंदर है यहाँ, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो इस पर काम कर रही है इन रुइंस के पीछे। ऑब्वियसली करना भी चाहिए, इतना पुराना इतिहास है हमारा, उसको बचाने का काम तो होना ही चाहिए। कुछ और जानते हैं इस विलेज के बारे में जो शायद मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इसको, उनको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, बताइए। अगर आप यहाँ आसपास आए हैं कभी तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं फ़ोटोज़ मेरे साथ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप जाकर के वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप जो फ़ोटोज़ हैं यहाँ से रिलेटेड वो आप टैग कर सकते हैं मुझे, सो दैट हमारी कम्यूनिटी जो है ट्रैवल कम्यूनिटी वो बस बढ़ती रहे। और चलिए फिर
मैं आपको थोड़ा और विलेज टूर देता हूँ यहाँ का, उसके बाद मैं एक वीडियो टर्मिनेट करूँगा। ये बस कुलदरा विलेज का है, इसके बाद हम लोग चलेंगे सैम ड्यून्स, तो बहुत सारा एडवेंचर भी बाकी है। और ये देखिए ये मंदिर, चलते हैं ऊपर दर्शन करते हैं भगवान के। कौन से भगवान हैं वो तो अभी पता चलेगा। और इसकी आप जो बनावट है वो देख सकते हैं, कलाकृति तो राजस्थान के कोने कोने में आपको दिख सकता है। आइए, ये रहा मंदिर, विष्णु भगवान जी का मंदिर है ये। और मैं बता दूँ, आज से 100-150 साल पहले इसी जगह पे जो ब्राह्मण थे वो आकर के भगवान विष्णु के सामने मत्था टेक करके जो प्रार्थना करी थी वो यही जगह। ये रहा मंदिर का छत, और यहाँ से छत से ऊपर से जो आपको नज़ारा दिखेगा ये पूरा गांव कुलधरा विलेज, ये देखिए। बताते हैं, मैंने बात किया कि पहले उस तरफ भी पूरा गांव फैला हुआ था, धीरे 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 वो टूटता गया, क्योंकि पहले ही बताया ना 84 गांव थी ये पूरी। दूसरा आपको दिखेगा वो विंड मिल्स, वो पूरा विंड मिल्स वो रहा घर। आप देख सकते हैं एक घर में ये साइज़ का एक मकान, फिर इस तरफ, फिर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर के मकान थे छोटे छोटे। ये थी कुलदरा विलेज की हमारी टूर, नीचे जाके मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये रहा मंदिर का डोम, हालांकि इस पर चढ़ना नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग चढ़े हुए। और सबसे बुरी बात ये कि आप देखिए इसके अंदर लोगों ने क्या फेंक रखा है, लेस की पैकेट, पानी की बोतल, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा करने से हम खुद अपनी जो हेरिटेज है उसको बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ऐसा मत करिए, इससे हम अपनी देश की जो छवि है उसको खुद बर्बाद कर रहे हैं। सो ये था हमारा कुलदरा विलेज का टूर, और इसके जस्ट बाद अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से थार सफारी के लिए, तो वो ब्लॉग डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यहाँ से हैं या फिर राजस्थान से यहाँ आप आए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हैं फोटोज़ के साथ। और इसके साथ ही अजिताभ आनंद साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ इन थार। तब तक के लिए बाय बाय।